मूवी की शुरुआत में जापान का टोक्यो सिटी दिखाया जाता है जो रात में भी जगमगा रहा है। एक बिल्डिंग में योशिकी नाम का एक आदमी अपने ऑफिस में रात तक काम कर रहा होता है। अगले शॉट में उसके घर पे एक बैग डिलीवर किया जाता है। उसकी पत्नी मित्सु बैग खोलती है तो उसमें उसके मायके से फ्रेश फिश आई होती है। वो अपने पिता को फोन करती है तो उसके पिता कहते हैं कि बेटी फिश बहुत फ्रेश है, तुम इसे ग्रेवी में डालोगी तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और बताओ तुम दोनों बच्चों के लेकर गाँव कब आ रहे हो, जल्दी आएंगे पिताजी। ये कहकर वो अपनी बेटी यूई को फोन देती है, पर यूई अपने नानाजी से बात नहीं करती और उसे फिश भी पसंद नहीं होता। मित्सु को फिश बनाना भी नहीं आता। वो योशियुकी से मदद मांगती है पर वो आराम से बैठकर टीवी देख रहा होता है और अपनी पत्नी की मदद नहीं करता। मित्सु फिश को फ्रिज में रख देती है और मायके से आए वह कैबेज निकालती है, उसमें से एक कीड़ा निकलता है और वो उसे देखकर डर जाती है। इतने में उनका बेटा केंजी मुंह में बर्गर दबाकर अंदर आता है और किसी से एक शब्द भी कहे बिना ही अपने कमरे में चला जाता है। लगता है वो कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने लैपटॉप के आगे बैठता है और तभी उसकी क्लासमेट जो उसकी क्रश भी है वो फोन करती है और क्लास नोट्स मांगती है। वो नोट्स भेजता है और अपनी क्रश की वीडियोस को निहार रहा होता है। दूसरे कमरे में उसकी बहन ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है और मोबाइल पर ड्रेसेस को स्क्रॉल करके देख रही होती है। तब बैटरी लो आती है और वो फोन को चार्ज पर लगाती है। फिर वो अपने स्कूल फ्रेंड को मैसेज करने लगती है। मित्सु अकेले किचन में काम कर रही होती है और कहती है कि ये बच्चे हमेशा मोबाइल से क्यों चिपके रहते हैं। योशिकी उसकी बात अनसुनी करके सोने चला जाता है। अगले दिन अलार्म क्लॉक नहीं बजता। 3 बजे से सब कुछ बंद पड़ा होता है, किसी को टाइम का भी पता नहीं होता। करंट न होने की वजह से फ्रिज में रखी हुई फिश सड़ जाती है और मित्सु उसे कचरे में फेंक देती है। लाइट्स, टीवी, इलेक्ट्रिक कुकर, टॉर्च, टेलीफोन कुछ भी काम नहीं करता। यूई का फोन स्विच ऑफ हो गया होता है, पर बच्चे अपने स्कूल कॉलेज के लिए और योशिकी अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। मित्सु उनका खाना बनाने के लिए गैस स्टोव चलाती है, पर तब तक तीनों बाहर चले जाते हैं। बाहर लिफ्ट भी बंद होती है और तीनों 10वें फ्लोर से नीचे उतरते उतरते थक जाते हैं। यूई स्कूल के लिए निकलती है और केंजी साइकिल में कॉलेज जाता है। योशियुकी रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो वहां भी कोई ट्रेन नहीं चलती क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है। वहां ऑफिस जाने वाले लोगों की खूब भीड़ लगी होती है। अब कॉलेज के रास्ते में केंजी के हेडसेट और ब्लूटूथ ईयरफोन सब ऑफ हो जाते हैं। कुछ लोग टैक्सी से जाना चाहते हैं पर टैक्सी भी काम नहीं करती। टैक्सी क्या कोई गाड़ी काम नहीं करती, लगता है गाड़ियों की बैटरीज भी ऑफ हो चुकी है। मित्सु जो रोज लिफ्ट में कचरा लेकर नीचे डालती थी बेचारी 10वीं मंजिल से नीचे उतरकर कचरा डालती है और दूसरे फ्लैट वाले कहते हैं कि लगता है करंट आज नहीं आएगी, कैंडल्स खरीदने पड़ेंगे, और ये कहकर वे बाजार जाते हैं। मित्सु को भी यही ठीक लगता है, पर अब 10 फ्लोर ऊपर चढ़ के पैसे निकाल कर वापस नीचे कौन उतरेगा। यहाँ लगता है कि योशियुकी पैदल ही ऑफिस पहुँच गया था। वहाँ का ऑटोमेटेड डोर भी काम नहीं करता, सब डोर तोड़कर अंदर जाते हैं, पर अंदर जाके करेंगे क्या, कंप्यूटर फोन सब तो बंद पड़े होते हैं। बच्चों के स्कूल कॉलेज में भी बहुत कम स्टूडेंट्स आए होते हैं क्योंकि बहुत लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं मिला होता। दूसरी ओर सुपरमार्केट में कैंडल खरीदने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक स्टोव यूज करते हैं और बिना करंट के वे खाना नहीं पका सकते, इसलिए वे रेडीमेड फूड आइटम और पानी खरीदने सुपरमार्केट में जमा हुए होते हैं। और टेक्नोलॉजी का खेल तो देखिए, बिलिंग के लिए भी वो अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेके आए होते हैं। यार करंट के बिना कार्ड स्वाइप कैसे करोगे, जिनके पास कैश होता है वे चीजें खरीद कर चले जाते हैं। ऊपर से जिस गाड़ी में सुपरमार्केट का स्टॉक आ रहा होता है वो भी कहीं रुकी पड़ी होती है और इस वजह से स्टोर की चीजें तेजी से खत्म होने लगती है। ऑफिस में सबको छुट्टी देकर कहते हैं कि जब करंट आ जाएगी तब अपना मुंह दिखाना। रास्ते में योशियुकी एक साइकिल शॉप में जाता है। साइकिल की इम्पोर्टेंस अब लोगों को समझ आ रही थी क्योंकि उसके लिए करंट की जरूरत तो होती नहीं, लेकिन बढ़ती डिमांड के कारण साइकिल का रेट आसमान छू रहा होता है। दुकानदार कहता है सर देर मत कीजिए वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा। बेचारा योशियुकी उसे मुंह मांगी कीमत देकर साइकिल खरीद लेता है और उसी में घर पहुंचता है। साइकिल नीचे पार करके सीढ़ियां चढ़ता है, घर जाते जाते बेचारे की पूरी हवा निकल जाती है। अब किसी तरह सब घर आ जाते हैं। उस रात पूरी फैमिली साथ बैठकर कैंडल लाइट डिनर करती है। किचन का सिंक और टॉयलेट फ्लश भी काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ड्यूटी का पक्का योशियुकी अंधेरे में भी ऑफिस का काम करता है। इस आदमी के साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा सोचकर मित्सु बालकनी से आसमान को देखती है। सिटी की लाइट्स के बिना रात का आसमान और भी चमक रहा होता है। बच्चों के पास अब फोन, ब्लूटूथ हेडसेट, लैपटॉप जैसी कोई भी चीज नहीं होती और कोई रास्ता ना पाकर वे भी बालकनी में आ जाते हैं। अब पूरी फैमिली वहाँ जमा होकर सोचती है कि कल तो करंट आई जाएगा, पर दूसरे दिन भी करंट नहीं आता। वॉशिंग मशीन की जगह मित्सु सारे कपड़े धो रही होती है और वो भी बहुत कम पानी में। योशिकी ऑफिस जाता है तो बॉस सबसे पहले कहता है यहाँ क्या मैंने पावर प्लांट खड़ा किया है, घर चले जाओ, जब घर में करंट आए तभी आना। योशिकी को घर पर रहने की आदत नहीं होती इसीलिए वो घूमने निकलता है। तभी एक लड़का उसकी साइकिल पर
बुरी नजर डालता है। अब योशिकी उसको भगा देता है। केंजी अपने क्रश के घर जाता है तो वो बोरिया बिस्तर बांधकर फैमिली के साथ कहीं जा रही होती है। वे बताते हैं कि यहाँ खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, इसीलिए हमें शहर छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ घर में पानी नहीं होता और मित्सु पास के वाटर टैंक पे जाती है। वहाँ लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन बिना करंट के बोरवेल से पानी कैसे निकलेगा भाई। वो लोग भी बेबस होकर लोगों को खाली हाथ उठा देते हैं। योशियो के कुछ पैसे निकालने बैंक में जाता है क्योंकि एटीएम भी बंद पड़े थे। वहाँ बहुत भीड़ होती है, कंप्यूटर्स तो काम करने से रहे तो अकाउंट डिटेल्स कैसे देखेंगे। बैंक वाले कहते हैं कि भाइयों और बहनों, घर जाकर अपनी पुरानी पासबुक लेकर आओ, अगर उसमें बैलेंस है तो ही आपको पैसे मिलेंगे। अब बैंक वाले भी ऐसे थोड़ी सबको पैसे दे सकते हैं। वहाँ का माहौल देखकर आपको नोटबंदी का वक्त जरूर याद आया होगा, जब हमने लाइन में लगकर बैंकों में अपने सारे पैसे जमा किए थे, पर जब पैसे निकालने गए तो 5,000 या 10,000 दिए जाते थे। वैसे ही माहौल यहाँ भी होता है। इस भीड़ में योशियुकी की ऑफिस की फाइल गिर जाती है और उसको समेटने के चक्कर में वो लोगों की मार खाता है। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। क्या सिर्फ टोक्यो में करंट नहीं है या फिर पूरी दुनिया का यही हाल है? और अचानक करंट सप्लाई इस तरह से बंद कैसे हो गई? और कितने दिन ऐसा चलेगा? इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं होती। सोचिए अगर आपके पूरे शहर या गाँव में अचानक करंट बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? दूसरे शहर में किसी को फोन करके पूछेंगे कि वहाँ क्या हाल है, पर यहाँ मोबाइल, ब्लूटूथ, टीवी, इंटरनेट सब कुछ बंद हो जाए तो आप क्या करोगे दोस्तों? दूसरी जगह क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं रख पाएंगे। ऐसी हालत में टोक्यो के लगभग सभी लोग अपना सामान बांधकर पास के शहरों में जाने लगते हैं। अपार्टमेंट्स में रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए कोई नहीं आता, उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होता और वे एक एक करके मर रहे होते हैं। आखिरी में योशिकी की फैमिली भी शहर छोड़कर मित्सु के मायके जाने का फैसला करती है। बच्चे गांव नहीं जाना चाहते, पर और कोई रास्ता न पाकर वे अपनी जरूरत की चीजें पैक कर लेते हैं। फ्लाइट की टिकट के लिए योशिकी अपने पूरे पैसे निकालता है, फिर भी पैसे कम पड़ जाते हैं। तब मित्सु किचन के सारे डब्बे खोलकर उनमें से पैसे निकालती है। उतना पैसा देखकर पूरा परिवार शॉक हो जाता है। देश चाहे जो भी हो, हर फैमिली में औरत ही से बचा कर रखती है जो बुरे वक्त में पूरे परिवार के काम आता है। वे अपनी चीजें पैक करते हैं और तीनों साइकिल में वहाँ से निकलते हैं। मित्सु धूप से बचने के लिए सनग्लास लगाती है और केंजी हीरे जवाहरात की तरह अपने मोबाइल को संभाल कर रखता है। यूं इस हालत में भी मेकअप करना नहीं भूलती। योशिकी मित्सु को साइकिल पर बैठा कर एयरपोर्ट की ओर जाता है। बहुत दिन बाद वे इस तरह अकेले बाहर निकले होते हैं और रास्ते में वे देखते हैं कि सब्जियां सोने के भाव बिक रही होती हैं, क्योंकि बिना पानी के खेती नहीं हो रही थी और मार्केट में पड़ी भी थोड़ी सी सब्जियां भी बहुत ही महंगी बिक रही थी। मित्सु एक दुकान से वाटर बॉटल्स का एक बॉक्स खरीद लेती है। पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, पर फिर भी वो खरीद लेती है। पानी की जगह पैसे नहीं पी सकते हैं ना। फिर रास्ते में वे एक जगह रुककर घर से लाया हुआ खाना खाते हैं। यूं ही सब्जियों को छूती भी नहीं। पब्लिक टॉयलेट्स की हालत देखकर बच्चे पार्क में झाड़ के पीछे जाते हैं, फिर भी एयरपोर्ट पहुंचते हैं। आगे भी क्या बताने की जरूरत है, फ्लाइट सारी बंद पड़ी होती है। फ्लाइट के पास आते लोगों को पुलिस मारकर भगा रही होती है। अब ये लोग कई गुना ज्यादा पैसे देकर पास के एक होटल में ठहरते हैं। डिनर के वक्त योशिकी सोचता है कि किसी तरह गांव पहुंचकर अपनी फैमिली को वहीं सेटल करना है। अब योशिकी फैसला करता है कि बाय रोड ही उस गांव तक जाना पड़ेगा, पर रास्ते में कई शहर और गांव पड़ते हैं, उनमें भी कई प्रॉब्लम्स होंगी, पर हमें उन सबको फेस करना है। इस तरह वो सबको समझाता है। यूं जिद करती है कि उतनी दूर और वो भी साइकिल पर, नो चांस, आप मुझे वापस घर छोड़ दीजिए। लेकिन घर में क्या रखा है, ऐसा सोचकर वो मान जाती है। अगले दिन वे अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करते हैं। बच्चे एक सुपरमार्केट में घुसते हैं जहां कोई नहीं होता। वे कहीं से एक मैप ढूंढ निकालते हैं। मित्सु और योशिकी दूसरी ओर जाकर एक्स्ट्रा साइकिल खरीदने की कोशिश करते हैं। एक किराने की दुकान में साइकिल होती है, पर ओनर कहती है कि साइकिल तो मैं दे दूंगी, पर पैसों के बजाय कोई चीज दे दीजिए। मित्सु बैग से योशिकी की दारू की बोतल निकाल कर दे देती है और बदले में थोड़ा चावल और एक साइकिल ले लेती है। देखा, ऐसी सिचुएशन में पैसों का कोई मोल नहीं होता। अब चारों अलग अलग साइकिल में मैप की डायरेक्शन को देखकर जा रहे होते हैं। इस शहर में हर जगह ब्लॉक किया होता है और वे बाईपास से जाने लगते हैं। वहाँ बड़ी तादाद में लोग पैदल चल रहे होते हैं, कुछ लोग साइकिल्स और कुछ स्केटिंग बोर्ड पे भी जा रहे होते हैं। भीड़ में कुछ लोग इस विश्वास के साथ चल रहे होते हैं कि अगले शहर में करंट है, और चलते चलते रात हो जाती है और चारों खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं। ठंड की वजह से केंजी जाग जाता है और देखता है कि एक आदमी इनकी वाटर बोतल चुरा कर भाग रहा है। केंजी उसे चेस करता है, पर वहाँ देखता है कि वो आदमी पानी में दूध का पाउडर मिलाकर एक छोटे बच्चे को दे रहा होता है, और ये देखकर केंजी का दिल मेल्ट हो जाता है और वो गिल्टी फील करके वापस आता है। दूसरे दिन इनके रास्ते में 2 किलोमीटर का एक लंबा टनल आता है। टनल के अंदर नाम की भी रोशनी नहीं होती। अंधेरे में टनल को पार करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है।
वहाँ एक नेत्रहीन बुजुर्ग होती है जो पैसों के बदले उन्हें टनल पार करवाने की जिम्मेदारी लेती है। उसके पीछे जाकर वे उस पार पहुँच जाते हैं। योशिकी का परिवार किसी तरह एक हफ्ता मैनेज तो कर ही लेता है, और अब पूरे 16 दिन हो चुके होते हैं। उनके सारे वाटर बॉटल्स खाली हो जाते हैं। मित्सु पास की एक नदी में कपड़े धोती है और योशिकी उसी नदी का गंदा पानी पीने लगता है। आगे रास्ते में बारिश होने लगती है और गंदा पानी पीने से योशिकी का पेट खराब हो जाता है, और अब ये बारिश से बचने के लिए एक ब्रिज के नीचे आ जाते हैं। हवा इतनी तेज होती है कि उनकी साइकिल से एक और खींची चली जाती है। साइकिल पर बंधे हुए इनके बैग, कपड़े, चावल और सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। उनके पास अब खाने पीने का कुछ भी नहीं बचता, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। अगले शहर में एक सुपरमार्केट होता है। दोनों बच्चे अंदर घुसकर खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं, पर वहाँ चावल का एक भी दाना नहीं होता, पर पेट डॉग्स का खाना भरपूर होता है। बेचारे उन पैकेट्स को उठा लेते हैं। वहाँ वाटर बॉटल्स नहीं होते, पर खराब पड़ी हुई कार की बैटरीज होती है। बच्चे उसके अंदर बचा हुआ पानी अपनी बॉटल्स में भर लेते हैं। इससे बुरी सिचुएशन हो भी क्या सकती है। बाहर योशिवी की आग जलाने की कोशिश में जुटा हुआ होता है, पर आग तो लगती ही नहीं। तभी केंजी अपना लाइटर देता है, पर उसे लेने के बजाय योशिवी की अपने मेथड को लगातार ट्राई करता है। केंजी समझ जाता है कि अब करंट कभी नहीं आने वाला, और उसका मोबाइल भी किसी काम का नहीं है। इसीलिए वो मोबाइल कवर को निकाल कर उसे मरोड़ता है और उसे लगाकर साइकिल टायर का पंचर ठीक करता है। अगले 6 दिन तक वे डॉग फूड से अपना पेट भरते हैं और बैटरी से निकाला हुआ पानी पीते हैं। रास्ते में उन्हें एक फैमिली मिलती है जिसमें पति, पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। वे एकदम शानदार साइकिल में जा रहे होते हैं। उन्होंने बाइकर्स का स्पोर्ट्स गियर पहना होता है और सेफ्टी हेलमेट के साथ एकदम पक्के बाइकर्स लगते हैं। उनके पास खाने पीने की चीजें भी भरपूर होती हैं। वे बारिश का साफ पानी पीते हैं और उसे भरकर भी रख लेते हैं। रास्ते में जहाँ भी खाने लायक पौधे फल रहे होते हैं, वे सब बटोर कर रख लेते हैं। वे कम खाते हैं और ज्यादा बचा कर रखते हैं, क्योंकि न जाने और कितना दिन यूं ही रास्ते में गुजारना पड़ेंगे। उनके पास एक कैमरा होता है जो बैटरी से नहीं चलता बल्कि मैकेनिकल कैमरा होता है। ये फैमिली ट्रिप को एंजॉय कर रही होती है और दोनों फैमिलीज एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होती है, और दोनों कुछ दूर साथ तक ही सफर करती है। तब एक ब्रिज पर मिलिट्री वाले पास के शहर में करंट की सिचुएशन को जानने के लिए जा रहे होते हैं। एक मोड़ पर नई फैमिली अपने गांव का रास्ता पकड़कर चली जाती है, और योशिकी की फैमिली करंट वाले शहर की तलाश में आगे बढ़ती है। उस नई फैमिली को देखकर योशिकी को थोड़ी जलन हो रही होती है, क्योंकि वे थोड़ी चीजों में इतने खुश नजर आ रहे थे। इसीलिए उनके जाने से योशिकी को जरा तसल्ली होती है। योशिकी को डर भी रहता है कि मैं एक छोटी सी आग भी जला नहीं पाया तो अपनी फैमिली को इस मुश्किल समय में कैसे बचाऊंगा। अब बच्चों के कपड़े गंदे हो गए होते हैं, पर वे उन्हीं कपड़ों में अगले शहर पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वहां भी करंट नहीं है। लोगों की बात मानकर वे इतनी दूर बेकार ही आ गए थे। केंजी योशिकी पर चिल्लाता है कि यार डैड, आप तो बड़े सपने दिखा रहे थे कि यहाँ करंट है, कहाँ है करंट। फिर मिस्सू दोनों के बीच सुलह करवाकर वहाँ से आगे ले जाती है। आगे एक एक्वेरियम होता है जहाँ बहुत ही भीड़ होती है। वहाँ एक्वेरियम की मछलियाँ और कीड़ों को लोग पकाकर बेच रहे होते हैं। योशिकी की फैमिली भी लाइन में लग जाती है, पर जब उनकी बारी आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। योशिकी उनके पैर पकड़ लेता है कि कम से कम मेरे बच्चों को कुछ खाने को तो दे दो, पर भूखे लोगों ने वहाँ के बर्तन भी चाट कर साफ कर दिए होते हैं। अब उनके पास पानी भी नहीं होता और वे जान हाथ में लिए आगे बढ़ते हैं। अब पावर कट के 67 दिन हो चुके हैं और लगभग जान ही निकल चुकी होती है सभी की। अपनी साइकिल्स के साथ वे एक खेत में पहुंचते हैं और सिकुड़ कर गिर जाते हैं। तभी उन्हें एक सफेद सुअर दिखता है। मित्सु बैग से एक रस्सी निकालता है और उसे लेकर योशिकी सुअर के पास जाता है और उसको पकड़कर मार डालता है। अब उसे काटेगा कौन, मित्सु को तो फिश बनाने भी नहीं आती और ना ही ठीक से पकाना आता है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग किसान आता है और उन्हें पानी और खाना देता है। यूई जो फिश नहीं खाती थी वो यहाँ दबा दबा कर सुअर का मांस खा रही होती है, पर खाने से पहले उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि खाने के बदले में वे बुजुर्ग के लिए कुछ काम जरूर करेंगे। अब वहाँ पैसों का कोई काम नहीं था। पैसा नाम की चीज जब नहीं थी तो इसी तरह दुनिया चलती थी, काम करके पैसे नहीं बल्कि जरूरत की चीजें दी जाती थी। बुजुर्ग उन चारों को सुअर काट कर उसका मांस धूप में सुखाने का काम देता है और वे बड़े खुशी से वो काम करते हैं। फिर वे चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन रखकर पानी गर्म करते हैं। बुजुर्ग नहाकर उन्हें भी नहाने को कहता है और 2 महीने बाद गर्म पानी से नहाकर उन्हें स्वर्ग जैसा नजर आता है। बुजुर्ग सबको नए कपड़े देता है और कहता है कि ये कपड़े मैंने अपने बेटे और उसके परिवार के लिए खरीदे थे। वे अमेरिका से आने वाले थे पर नहीं आए। उसकी बात सुनकर मित्सु को अपने पिता की याद आने लगती है और वो योशिकी का हाथ पकड़कर सो जाती है। उस रात सब बहुत ही गहरी नींद में मस्त तरीके से सोते हैं। ये खेत और उसके आसपास की जगह ऐसी बुजुर्ग की है। उसने इलेक्ट्रिक फेंस लगा रखी होती है, पर अब तो करंट ही नहीं था। इसीलिए बुजुर्ग योशिकी की फैमिली से कहता है, तुम्हें उन सुअरों से इस खेत को बचा कर रखना होगा।
अगर सुअर अंदर आ जाए तो उसे पकड़ना भी होगा। इस तरह वे कुछ दिन वहाँ रहते हैं और बुजुर्ग के काम में मदद करते हैं। बुजुर्ग उन पर और खुद पर रहम खाकर कहता है कि तुम लोग चाहो तो हमेशा के लिए यहीं रुक सकते हो, मुझे भी एक फैमिली का साथ रहने को मिल जाएगा और बड़ा ही सुकून लगेगा। तब योशिकी बताता है कि वो अपनी फैमिली को मित्सु के पिता के पास ले जाना चाहता है। बुजुर्ग कहता है कि अच्छी बात है, तुम मेरे जैसे एक बुजुर्ग से मिलने जा रहे हो। फिर वो उन्हें सुअर का मांस देता है जो उन्होंने नमक डाल के धूप में सुखा रखा था, ये एक हफ्ते तो चलेगा। वो उन्हें और भी फूड आइटम्स पैक करके देता है और रास्ते के खर्चे के लिए पैसे भी देता है। वे बुजुर्ग से विदा लेकर 3 दिन साइकिल पर ट्रैवल करते हैं। अपने मैप के भरोसे वे आगे जाते हैं तो वहाँ एक नदी बह रही होती है और वे सोचते हैं कि इसको पार कैसे करें। तब योशिकी अचानक आसपास पड़ी हुई लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और पूरी फैमिली मिलजुल कर एक बोट तैयार करती है। फिर थोड़ा सामान उस पर रखकर और खींचते हुए वो पार पहुँच जाते हैं। योशिकी और केंजी साइकिल लेने वापस आते हैं। इतने में तेज बारिश होने लगती है और हवा भी तेज हो जाती है। दोनों साइकिल लेकर वापस आ रहे होते हैं कि नदी का बहाव बढ़ जाता है और लकड़ियाँ बिखरने लगती है। केंजी किसी तरह उस पार पहुंच जाता है पर योशिकी पानी में डूब कर नदी के साथ बह रहा होता है और वे पूरी रात उसको ढूंढते हैं पर उसका कहीं पता नहीं चलता। वे रोते हुए उसे हर जगह ढूंढते हैं लेकिन सिर्फ उसके सर के बाल मिलते हैं। अब पावर कट के 94वें दिन हो गए हैं। मित्सु योशिकी के बारे में सोचकर रो रही होती है। केंजी उसको संभाल रहा होता है। फिर बैग से खाने की चीज निकालकर अपनी बहन को देता है और वो पीछे आते हुए कुत्ते के साथ खाना शेयर करती है। कुत्ता अपने साथी कुत्तों को भी वहाँ ले आता है कि चलो भाइयों खाना मिल गया। अब सारे कुत्ते मित्सु के बैग पर झपटते हैं जिसमें से मांस की बू आ रही होती है। वो बेचारी डगमगाकर खड्डे में गिर जाती है और उसका पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है। दोनों बच्चे उसे किसी तरह ऊपर ले आते हैं। इस बीच कुत्ते सारे मांस खा चुके होते हैं और अब उन बच्चों को भी अपना शिकार बनाना चाहते हैं। डर के मारे वे सब आंखें बंद करते हैं और रेल की पटरियों के बीच बैठ जाते हैं। तब दूर से कोई आवाज आती है जिसे सुनते ही कुत्ते भाग जाते हैं। तब वहाँ एक ट्रेन आ रही होती है जो कोयले से चलती है और इन्हें पटरी पर बैठा देख इंजन ड्राइवर ब्रेक मारता है। उसे देखकर तीनों खुश हो जाते हैं और ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। उस ट्रेन का एक आदमी मित्सु के पैर पर पट्टी लगाता है और उसके पति के बारे में पूछता है। उसका सवाल सुनकर तीनों रोना शुरू कर देते हैं। फिर दिखाते हैं कि योशिकी पत्थरों के बीच पड़ा हुआ है पर वो टकला होता है। तब पता चलता है कि वो इतने दिन विक पहनकर घूम रहा था और विक के बालों को देखकर उसकी फैमिली ने सोचा कि वो मर गया। वो होश में आता है और बड़ी मुश्किल से चलकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। तब वही ट्रेन उसको क्रॉस करके जाती है। योशिकी ना तो उठकर चल पाता है और ना ही उसकी आवाज निकलती है और उसकी पॉकेट में कैंडल लाइटर होता है जो केंजी ने दिया था। वो उसको जलाता है और उससे धुआं निकलने लगता है। खुशकिस्मती से ट्रेन के अंदर से मिस्सू उसको देख लेती है। वो और गौर से देखती है तो धुएं के बीच उसे अपने पति का टकला सर नजर आता है। वो चिल्लाकर जमीन आसमान एक कर देती है और ट्रेन रुकवा देती है। बच्चे भागते हैं और योशिकी को उठा लेते हैं। चलो शुक्र है फैमिली का रियूनियन हो गया। अब योशिकी और मित्सु अपनी बीती जिंदगी की कहानियां बच्चों को सुनाते हुए अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। तब मित्सु योशिकी के नकली बाल उसको देती है जो उसे नदी में मिले थे। इस घटिया माल की मुझे कोई जरूरत नहीं, ऐसा कहकर योशिकी उसको बाहर फेंक देता है। ट्रेन आगे एक टनल के अंदर जाती है और स्टीम इंजन होने की वजह से वो ट्रेन बहुत धुआं छोड़ती है, पर टनल बहुत छोटी होती है और इसलिए धुआं घूम फिर कर वही ट्रेन के अंदर चला जाता है और सभी का मुंह काला हो जाता है। जो लोग मेकअप के बिना बाहर नहीं निकलते थे वे अब एक दूसरे का काला चेहरा देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। और अब पावर कट हुए 108 दिन हो जाते हैं। तीनों मिस्सू को एक ठेले जैसी गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे होते हैं, पर आगे शहर या गांव के बजाय एक बीच होता है। मिस्सू ध्यान से समुद्र की ओर देखती है तो वहां उसके पिता फिशिंग करते हुए नजर आते हैं। वो खुशी से पिता को पुकारती है और बच्चे भी नानाजी कहकर चिल्लाने लगते हैं। योशिकी भी पिताजी, अरे वो पिताजी कहकर चिल्लाने लगता है और सब दौड़कर नानाजी के पास पहुँच जाते हैं। अपने पोता और पोती को देखकर नानाजी खुशी से झूम उठते हैं। 108 दिनों में बिना करंट के कई फैमिलीज मर चुकी होती हैं, क्योंकि करंट के बिना तो हमने जीना सीखा ही नहीं। इन मौतों की वजह से दुनिया की आबादी भी बहुत कम हो चुकी होती है, पर योशिकी की फैमिली लंबा और कठिन रास्ता पार करके अपने गांव पहुंच गई थी और वो भी जिंदा। अब बिना पावर के 2 साल और 4 महीने हो चुके होते हैं। तब हमें दिखाते हैं कि योशिकी और केंजी समुद्र में फिशिंग कर रहे होते हैं। वे ढेर सारी मछलियां पकड़कर जमा कर रहे होते हैं। दूसरी ओर दिखाते हैं कि यूं ही कपड़े बुन रही होती है। मित्सु अपने पिता के खेत में टमाटर उगाने का काम कर रही होती है। अब वे प्रकृति से जुड़कर एक स्वस्थ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन सुबह अचानक कोई आवाज सुनकर योशिकी झटके के साथ उठता है। उसे कहीं से अलार्म क्लॉक की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक जाता है और फिर पता चलता है कि उस गांव के बीच रखे हुए पब्लिक स्पीकर सिस्टम से
आवाज आ रही है। अचानक ही गांव की स्ट्रीट लाइट भी चलने लगती है। लगभग 2.5 साल बाद करंट वापस आई होती है और गांव के लोग उन लाइट्स को अजूबे की तरह देख रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि टोक्यो फिर से उस पुरानी भागदौड़ में खो चुका है। न्यूज यूट्यूब और सारे टीवी चैनल गुजरे हुए पावर कट के बारे में 2400 घंटे चर्चा कर रहे होते हैं। ये पावर कट क्यों हुआ, इसकी असली वजह क्या थी और इतना लंबा पावर कट क्यों हुआ, इन सब सवालों के जवाब टीवी न्यूज पर योशिके की फैमिली देख रही होती है। एक चैनल पर कहते हैं कि ये सोलर स्टॉर्म की वजह से हुआ, दूसरा चैनल बताता है कि असली न्यूज तो हम बताते हैं। एक बहुत ही बड़ा और भारी मेटेराइट आसमान से गिरा और धरती से टकरा गया, इसी वजह से पावर चली गई थी। कुछ और चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है कि ये टेररिस्ट का साइबर अटैक है और इस तरह हर चैनल अपनी अपनी अलग ही कहानी बता रहा होता है। ये लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिर सच है क्या। जो भी हो चलो हम वापस टोक्यो चलते हैं, ये फैसला करके भी टोक्यो में अपने घर आ पहुंचते हैं। अगले शॉट में दिखाते हैं कि मित्सु फिश कट कर रही होती है। केंजी अपने लैपटॉप के बजाय गिटार हाथ में लिए उसको बजा रहा होता है। यूई मोबाइल फोन के बजाय सिलाई मशीन पर काम कर रही होती है और लगता है कि स्कूल में भी ये सब सिखाया जा रहा था। योशिके अपना लंच बॉक्स भूल जाता है और मित्सु उसे लंच बॉक्स देने लिफ्ट में जाती है। नीचे योशिके साइकिल लेकर ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा होता है, तब मित्सु के नाम का एक पोस्ट आता है। अरे ट्विटर वाला नहीं, असली वाला पोस्ट, उसमें कुछ फोटोज होते हैं। याद है वो कम चीजों में सुखी रहने वाला परिवार जो रास्ते में मिला था, 2.5 साल बाद भी उन्होंने इस फैमिली को याद रखा था और उनके एड्रेस पर वो फोटोज भी भेजे हैं जो उन लोगों ने अपने मैकेनिकल कैमरे से खींचे थे। अब चारों मिलकर उन फोटोज को देखने लगते हैं और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एक पावर कट, सिर्फ एक लंबे पावर कट की वजह से उन्होंने गाँव तक का रास्ता तय किया, उसी ने उनकी जिंदगी बदल डाली थी। फिर गांव की जिंदगी ने उनको जो सीख दी थी वो उसे कभी नहीं भूलेंगे। पहले तो एक ही छत के नीचे रहकर वो अजनबी की तरह रहते थे, लेकिन अब उनके पास बिना घर के भी एकजुट होकर रहने का एक्सपीरियंस मिल चुका था और वे एक दूसरे की और करीब आ चुके थे। पावर, टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया की हलचल से दूर एक पीसफुल जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है, उसे अपनाने के लिए छोटी सी कोशिश की जरूरत है जो इस मूवी ने की है। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।